दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम विश्वेश्वर महादेव जाने वाले हैं, मंदिर का टूर करवाएंगे। और अभी मॉनसून की सीजन चल रही है तो वहाँ विश्वेश्वर नदी बह रही है, उनके भी दर्शन हम करवाएंगे। दोस्तों, मंदिर में हम पहुँच गए हैं। कमेंट में जरूर से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ कुछ लिखे। तो सबसे पहले मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और फिर विश्वेश्वर नदी, यानी कि उसे बनास नदी भी कहते हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए जाएंगे। बहुत ही पवित्र मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए पांडवों ने भी पूजा करी थी अज्ञातवास के दरम्यान। तो बहुत ही पुराना शिवलिंग है, जरूर से दर्शन करने के लिए एक बार यहाँ पर आए। भगवान शिव के पास ही गणेश जी और हनुमान जी भी विराजमान है। और मंदिर के सामने और दो छोटे छोटे मंदिर है, उसके भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर गंगा मैया और काल भैरव है, जय गंगा मैया की। और गोगा महाराज, हनुमान जी और एक और शिवलिंग है यहाँ पर, वहाँ पर भी हम दर्शन करें। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के पास नदी बहती है, तो मॉनसून के सीजन में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर विश्वेश्वर नदी का भी आनंद ले सकेंगे। मंदिर का बाहर परिक्रमा हम करते हैं और बाहर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वो विश्वेश्वर नदी या फिर इसे बनास नदी भी कहते हैं। मॉनसून के सीजन में यहाँ पर पानी आता है, तब भक्त लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आते हैं। अभी श्रावण मास पूरा हुआ है, वरना यहाँ पर इतनी भीड़ होती कि यहाँ वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसी वजह से हम श्रावण मास के बाद ही आए हैं। वैसे तो हम श्रावण मास में भी दर्शन करने के लिए पहले आए हुए हैं, लेकिन तब वीडियो शूट नहीं किया था, बहुत सारी भीड़ थी इसी वजह से। अभी भी आप देख सकते हैं श्रावण मास नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और सारे लोग नदी में स्नान करने का आनंद लेते हैं। बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है। सामने अरवली के पर्वत आप देख रहे हैं और बादल का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। Thank you.
हमको बहुत सारे नदी में से सिक्के मिले, वो सिक्के हमने मंदिर में रख दिए और अभी कुछ देर हम स्नान का आनंद लेते हैं और कुछ फोटो और वीडियो शूट करते हैं। आज का कोट है, जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जोरों से बारिश शुरू हो गई और सारे भक्त लोग नदी में से बाहर आ गए और अभी 5-6 दिन की भारी बारिश की आगाही है, इसी वजह से अभी हम घर पे जा रहे हैं। अच्छी तरह से आज का दिन हमने एंजॉय किया। दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।